बीजेपी पर आरोप लगाते हुए वघेला ने विवादित बयान दे दिया है। वघेला ने कहा कि गोधरा की तरह पुलवामा भी बीजेपी की साजिश थी। टीएमसी की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, वहाँ वेस्ट बंगाल में, तो हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इतना बिलो स्टैंडर्ड नीचे जाकर अपनी गरिमा को ताक पर रख कर ऐसी बात नहीं करेगा। हॉर्स ट्रेनिंग की बात नहीं करनी चाहिए। अगर इतने MLA आपके टच में है तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के MLA बहुत समय से हमारे टच में है। ये अच्छा नहीं होता है हॉर्स ट्रेडिंग करना। और आप कैंपेन करने जाए हैं, 5 साल का हिसाब आपको देना है, इसकी जगह आप हिसाब मांगते हैं कि हम ममता जी की गवर्नमेंट तोड़ेंगे, कोई शर्म नहीं आती है इनको। और आतंकवाद तो सबसे ज़्यादा हमले अगर हुए हैं तो 5 साल में इनके शासन में हुए हैं। और आखिर में जो पुलवामा में हुआ, इंटेलिजेंस फेलोर हुआ, सरकार की जिम्मेदारी थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी हमको लगती है। और कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ गोधरा वाला मामला था, उसके बाद जो अक्षरधाम का हुआ, उसके बाद मियां मुशर्रफ गुजरात के इलेक्शन में, यानी कि इनके पास सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय पाकिस्तान हिंदुस्तान कोई मुद्दा है।